बाबर भाई साहब, क्या हालचाल है? कैसे हो यार? क्या कर रहे हो? हमने सोचा हमारे दोस्त बाबर की कप्तानी गई, बोझ उतर गया, बढ़िया बल्लेबाजी में जलवा दिखाएगा, लेकिन तुम तो भैया पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 पे लुढ़क गए। बोली भाई साहब, हमारा हाल तो बढ़िया है लेकिन टीम का हाल कोई नहीं यार, हमारे पीछे पड़े थे, अब ये फुद्दू कप्तान कर दे, इसको पता नहीं जिसको खिलाना है उसको बाहर बैठा देता है, जिसको नहीं खिलाना उसको टीम में डाल देता, फिर तो भैया ऐसा ही होगा। अबे बाबर ससुरी के, हमको फुद्दू बोल रहा यार, तेरे को तो खिलाया ना, तू तो बड़ा बल्लेबाज था, तूने क्या घंटा उखाड़ा, अब तेरे को बाहर बैठाता हूँ अगले मैच में, तो फिर बोलेंगे इसको क्यों बाहर बैठाया, तेरे को खिलाना पड़ेगा, फिर तो वही गंद करेगा। शान भैया अकेला बाबर क्या करेगा? अबे ऑस्ट्रेलिया की पिच जिन बल्लेबाजों को सूट करती है उनको तूने बाहर बैठा दिया, उधर सैम अय्यूब को होना चाहिए था अब्दुल्ला शफी की जगह और सरफराज की जगह, मेरे को रखता ऑस्ट्रेलिया में, मेरी एवरेज बढ़िया है। अबे का रजवान मियां, अगले मैच में तेरे को भी खिला के देख लेंगे, देख लेते हैं फिर तू कौन सा तीर मारता है। वैसे यार हमारी गेंदबाजी किसी काम की नहीं, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज देखो कैसे रन रोक रहे थे, विकेटें ले रहे थे, हमारे गेंदबाज 500 रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शान भैया गेंदबाजों का दोष नहीं, गेंदबाज बराबर विकेटें ले रहे हैं, ये हमारे बल्लेबाजों का दोष, इतने ओवर खेल जाते हैं, 2 की औसत से रन बनाते हैं तो 100 ओवरों में 150-200 ही बनेगा, तो 100 ओवर में टीम लुढ़क जाती है, 4 की औसत से खेलो 400-500 बनेगा ना। भैया इसको लेके गयो सैम अय्यूब को तो खिलाओ ना, इसका भी पता चले, मुझे भैया लगता है ये लौंडा कुछ करेगा, तेज रफ्तार से रन बनाएगा। हमारे युवा प्लेयरों को देखो कैसे ठोक रहे, ना गेंदबाज कम कर रहे ना बल्लेबाज, देख रहे हो ना कोहली भाई साहब, आपके तो गेंदबाजों का यार क्या ही बात है, कोई रीस नहीं उनकी यार, पता नहीं क्या उनके अंदर कौन सी आत्मा घुसी है, लेकिन यार कोई हमें भी प्लानिंग बता दो, तुम बाहर बैठ के उनको टिप दे रहे, हमें भी दे दो। भैया हमारी टिप पर तुम कौन सा अमल करोगे? भैया ऐसे नहीं होता, उधर भैया मेहनत करनी पड़ती है, दिल जान लगाना पड़ता, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम तो भैया पाकिस्तान का जनाजा निकाल चुके हो, अब बस दफन होना बाकी। कोहली भाई साहब बस करो, रहने दो यार, हम टेस्ट मैच जी जान से नहीं खेलते, हम भैया T20 को बड़ा सीरियस लेके खेलते, अब देखना आने वाला 24 का विश्व कप हमारा ही होगा, T20 का जीत के दिखाएंगे। बाबर भैया बस करो, इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़ो, T20 का विश्व कप जीतोगी, आपकी टीम उधर एक मैच भी नहीं जीत पाएगी, जो T20 का प्लेयर है उसको टेस्ट खिला के उसका भी सत्यानाश कर रहे। अबे कुछ प्लेयर अलग रखो, उनको केवल T20 खिलाओ। कोहली भाई साहब अभी तो हम नए नए कप्तान बने, केवल एक ही मैच खेलें, वो हार गए तो क्या हुआ, आगे आगे हमारा जलवा देखना, T20 में भी भैया हम आ जाएंगे कप्तानी, बेशक फिर शाइन की हो लेकिन हम भी अपना जलवा दिखाएंगे, देखते जाओ। शान भैया बस करो, रहने दो, जो हालत आपकी है ना, मुझे लगता है इन तीनों मैचों में आप कप्तानी कर लो ना, यही बड़ी बात है, कहीं बीच में आपको खिसका ना डाले, फिर बाबर की दोबारा मिनते ना करनी पड़े, लेकिन अब बाबर भी हामी नहीं भरेगा। शान भैया अभी भी समय है भैया, कुछ परिवर्तन कर लो, लेकिन आप केवल नाम के कप्तान बन गए, इसलिए हमने भैया कप्तानी छोड़ी, उनको कुछ बोलो, जो प्लेयर ढंग के है ना उनको खिलाओ, नहीं तो इससे भी घटिया हाल होगा दूसरे मैच में। शान भैया 4 तेज गेंदबाज खिला रहे हो लेकिन ढंग का एक भी नहीं है, चलो एक माना है, 2 लड़कों ने अच्छा किया, लेकिन फहीम की जगह हसन अली को डालो और अबरार को लेके आओ ऑफ स्पिनर को, फिर देखो मजा, तुम भैया पता नहीं क्या करते। कोहली भाई साहब बस करो, रहने दो, तुम भी इनके पीछे लग के भैया हमारे पीछे पड़े हो, पहले यार कौन सी पाकिस्तान की टीम इधर ऑस्ट्रेलिया में आके कभी टेस्ट सीरीज जीती है, लेकिन टेंशन नहीं लो, इस बार हम जितवाएंगे, एक हार गए अगले दोनों जीतेंगे। मुझे नहीं लगता शान भाई के दोनों मैच आप जीतोगे, मुझे तो लगता है पक्का दोनों मैच हारोगे, लिखवा लो, अगर गलती से जीत गए फिर तो भैया समझो क्यामत आ गई। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।